गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण विषय क्लास सिक्स में जो एनसीईआरटी सीरीज है उसका जो अगला अध्याय है वो दिया हुआ है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी पृथ्वी पे मुख्य रूप से कौन कौन से स्थल रूप है और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा अपन बात करते हैं कि उनका विकास हुआ है। तो अपन सबसे पहले इस अध्याय में कुछ शब्दावली दिया हुआ, जैसे एक दिया हुआ है उच्छावच, एक दिया हुआ है आंतरिक क्रिया और एक दिया हुआ है बाह्य प्रक्रिया, एक शब्दावली दी हुई है अपरदन, एक दिया हुआ निक्षेपण, एक अपन बात करेंगे पर्वत, एक दिया हुआ पठार और एक अपन बात करेंगे मैदान और एक ही शब्द दिया हुआ मिलेगा आपको कहीं हिमानी। तो ये सारे जो शब्द है इनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। और कुछ एक शब्द और दिया हुआ है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान, बाढ़ और भूस्खलन, इन सभी के बारे में अपन कुछ डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के जो स्थल रूप है, स्थल रूप का मतलब है जो कठोर जो ठोस भाग है पृथ्वी का, उसे अपन स्थल रूप कहते हैं। और स्थल रूप के लिए पृथ्वी पर जितने भी जो स्थल रूप बने हुए हैं, पृथ्वी पर जितने भी जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं स्थल रूप के रूप में, भूखंड के रूप में, उन स्थलाकृतियों को बनने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रिया काम में ली जाती है। कितने प्रकार की प्रक्रिया? ये दो प्रकार की प्रक्रिया अपन काम में लेते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की प्रक्रिया अपन काम लेते हैं। और इन्हीं जो उबड़ खाबड़ जो पर्वत पठार मैदान जो ऊंचा और नीचा स्थान है पृथ्वी के स्थल रूप, उनको अपन उच्चावच कहते हैं। यानी पृथ्वी पे जितने भी स्थल रूप है चाहे उच्चावच के हो, उनको बनने में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। दो कौन कौन सी है? एक दिया हुआ है आपकी आंतरिक प्रक्रिया और दूसरा दिया हुआ है बाह्य प्रक्रिया। तो देखो होता क्या है, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है आपकी पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह के नीचे आपको पता है दुर्बलता मंडल है। क्या है? दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल में क्या है आपकी? गैसें वगैरह है बहुत सारी, इतनी सारी उष्मा है वहाँ पर, सहवनीय तरंगों के द्वारा उष्मा उत्सर्जित की जाती है और वहाँ पर विमुक्त होती है। तो वो कहीं ना कहीं से पृथ्वी के अपन कह सकते हैं जो आपका मुलायम भाग है, जैसे कठोर भाग है वहाँ से तो चट्टाने टूटेगी नहीं, कहीं मुलायम भाग है वहाँ पे दरार के माध्यम से, या अपन कह सकते हैं या तो दरार हो जाएगी या अपन कह सकते हैं बड़ा छिद्र हो जाएगा, इनके माध्यम से जो बल लगता है यहाँ से और इसके द्वारा, जैसे मान लो कोई पर्वत बन गया हो, कोई पर्वत बन गया है, कोई पठार बन गया है, कोई मैदान बन गया हो, तो ये जो प्रक्रिया पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, इसे अपन क्या कहते हैं? आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण जिन स्थल रूपों का विकास होता है उसे अपन आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा एक होता है बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया क्या होती है? यानी अपन बात करेंगे, ये जैसे मान लो ये आपका कोई पर्वत बन गया, ये वाला, ये कोई पर्वत बन गया ये वाला। अब यहाँ पर क्या है? कोई नदी है, ये यहाँ पर कोई नदी है और नदी यहाँ से इस प्रकार से बहकर जाती है नीचे की ओर, ये कोई नदी जा रही है। तो इस नदी के कारण कोई किसी भी प्रकार का जल स्रोत का बनना, या अपन कह सकते हैं जल प्रपात का बनना, जल कुंड का बनना, या अपन कह सकते हैं झरनों का बनना, ये सारी प्रक्रिया क्या है? नदी की युवावस्था में जब नदी के द्वारा अपरदन के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा जो प्रक्रिया बनती है उसी को अपन क्या कहते हैं? बाह्य प्रक्रिया। यानी जो पवन है, जल है, अपन कह सकते हैं हिमानी है, इन बाह्य कारकों के द्वारा जो भी अपरदन और निक्षेपण के द्वारा जो भी स्थलाकृतियां बनती है उन्हीं स्थलाकृतियों को अपन क्या कहते हैं? बाह्य प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बाह्य बल के कारण इनका निर्माण हुआ है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार का बल काम करता है, एक तो आंतरिक बल जिसके कारण पर्वत पठार नदियां मैदान बनते हैं, और पर्वत पठार बनने के बाद में अगर पर्वतों का मान लो अपरदन हो जाता है, कहीं मान लो नदियों के द्वारा निक्षेपण हो जाता है तो मैदान बन जाते हैं, कई जिले बन जाती हैं, कई नहरें बन जाती है, तो इन सब के ये किसका कारण है? बाह्य प्रक्रिया का कारण है। तो ये आंतरिक और बाह्य आपके प्रक्रिया हो गई। तो इसमें अपन आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूँ कि आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया का क्या उदाहरण है। देखो आप उसे आराम से समझ सकते हो। देखो एक जैसे मान लो ये कोई पर्वत है ये, और यहाँ से मान लो कोई नदी निकल रही, ये क्या है? नदी है, और ये क्या है? आपका पर्वत। इस नदी के द्वारा ये नदी, और नदी क्या करेगी? अपने मार्ग में, अपने मार्ग में क्या करेगी? यहाँ से कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति है उनका क्या करेगी? अपरदन करेगी, अपरदन। और अपरदन से जो आपका संप्राय
जो मैदान है इसका निर्माण होता है अपरदन से, और आगे जाके नदी, ये आपका समुद्र है, ये आपका क्या है, समुद्र है। तो समुद्र में जाने से पहले नदी इस प्रकार से फैल जाएगी, और यहाँ पे देखो समुद्र के पास में यहाँ क्या करेगी, निक्षेपण का कार्य करेगी, निक्षेपण। और निक्षेपण से क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, या अपन कह सकते हैं बाढ़ का मैदान बनेगा, बाढ़ का मैदान। तो देखो नदी के द्वारा, देखो ये पर्वत है, पर्वत से कोई नदी निकली और ये अपने मार्ग में या तो अपरदन करेगी, तो अपरदन के द्वारा संप्राय मैदान का निर्माण। तो अपरदन है यह बाह्य कारक के रूप में, बाह्य प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। और ये अगर निक्षेपण करेगा, ये जैसे मान लो यहाँ पे कंकर पत्रों का जमाव करेगा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा डेल्टा या बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा आपके इसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा नदी या अपन कह सकते हैं बाढ़ का मैदान है, डेल्टा है, ये अपना संप्राय मैदान है, इनका बनना कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया अपरदन के कारण, और मुख्य रूप से अपरदन अपन कहते हैं किसे, हम किसी किसी चट्टान का टूटना व परिवहन होना, इसे अपन क्या कहते हैं अपरदन। यानी कोई भी चट्टान टूट जाएगी और टूटकर वो किसी दूसरे स्थान पर चली जाएगी, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और एक होता है आपका, यहीं पे मैं अब आपको बता देता हूँ, एक होता है अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का केवल टूटना होता है। चट्टान का यानी चट्टान अपने स्थान पर टूटकर अपने ही स्थान पर है, तो वो तो क्या है आपका अपक्षय। और चट्टान का टूटकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, जैसे जल के द्वारा बहाकर, वायु के द्वारा उड़ाकर, तो ये जो प्रक्रिया है दूसरी जगह जाने की, चट्टान का टूटना और दूसरी जगह चले जाना, इसको अपन क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। एक होता निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता जमाव, यानी जमाव, किसी भी चट्टान का टूटकर जम जाना, या कहीं से वायु के साथ में जैसे आपका मिट्टी के कण, छोटे छोटे कण आके जमा हो गए, तो उनको अपन क्या कहते हैं, मरुस्थल में स्थलाकृतियां बन जाती है, उनके जमाव को अपन क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे आपका लोयस का मैदान है, चीन में है लोयस का मैदान, ये एक निक्षेपण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, निक्षेपण का उदाहरण है। तो ये चीज होगी, एक होता है। अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से, ये हो गए अपरदन, हो गए निक्षेपण, हो गया बाह्य प्रक्रिया, हो गई। अब अपन बात करेंगे पर्वत के बारे में, यानी जो इस अध्याय में दिया हुआ है कि भाई उच्चावच आंतरिक प्रक्रिया के कारण या बाह्य प्रक्रिया के कारण पर्वत बन जाएंगे। तो पर्वत क्या होता है, स्थल भाग पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। जैसे कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा 1000 मीटर से ऊंचाई पर जो भी पर्वत पहाड़ी है उसे अपन क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, या अपन कह सकेंगे पहाड़ियों की श्रृंखला को अपन क्या कहेंगे, पर्वत श्रृंखला कहेंगे। तो ये हो जाएगा, एक होता है। और पर्वत की क्या विशेषता, पर्वत का आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। और ये आधार तो क्या होगा, इसका आधार चौड़ा होगा, आधार चौड़ा होगा, और इसका क्या होगा, शीर्ष क्या हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा। और भारत में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना भारत की एक K2 यानी गोडविन ऑस्टिन। और ऐसा पूछा जाए हिमालय चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको चोटी बताना है उसमें हिमालय में माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। और भारत में पूछा जाए तो भारत में कौन सी है, K2 है, जिसको अपन गोडविन ऑस्टिन के नाम से अपन जानते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है पर्वत के बारे में, आधार आपका चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला। अब अगर पठार पूछा जाए तो पठार इस प्रकार से होता है, यानी ये शीर्ष भाग है ना, ये शीर्ष भाग, ये क्या होता है, ये आपका लगभग समतल होता है। क्या होता है, लगभग समतल भाग उसको। और इसके देखो ये वाले क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो ऐसा स्थल रूप जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले हो और उसका शीर्ष भाग लगभग समतल हो, ऐसे अपन भाग को अपन, और जो लगभग 600 मीटर से ऊंचाई पर हो लगभग, उसे अपन क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, पठार। एक होता है मैदान, ये जैसे आपका मैदान हो गया ये वाला, इसको मैदान, और ये क्या कहलाता है, ये लगभग समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा हो, समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई वाला जो भाग होता ना, और लगभग समतल, समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई वाला लगभग समतल भाग क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। तो ये अपन ने पढ़ा था,
पर्वत में मैंने आपको हिमालय बता दिया, और अपन पठार में मैंने आपको भारत के संदर्भ में बता दिया दक्कन का पठार, दक्कन पठार, ठीक है। और मैदान के रूप में अपन कह सकते हैं गंगा मैदान, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान है जो जलोढ़ का अपरदन है। एक होता है हिमानी, हिमानी अपन किसे कहते हैं, यानी जो बर्फीला क्षेत्र है, और बर्फीले क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ वगैरह होती है जिस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। और वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे अपन के सियाचिन ग्लेशियर है हिमालय में। कौन सा हिमानी है, अपन हिमालय क्षेत्र में, इसका इसको हिमालय का एक होता है पार हिमालय, एक होता है ट्रांस हिमालय, तो इनमें क्या है, इसमें क्या है, हिमनद है। क्या है इनमें, हिमनद है अलग अलग क्षेत्रों में। और हिमनद में सबसे ऊंचा जो हिमनद है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन हिमनद। और ये विश्व का, या भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है हिमनद। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, ये हिमानी से निर्मित हो, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अब अपन क्या बात करते हैं, ये तो हो गया प्राकृतिक स्थल रूप, उच्चावच प्रक्रिया, अंत निक्षेपण, पर्वत पठार, मैदान और हिमानी। अब अपन बात करेंगे इस टॉपिक में दिया हुआ है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदा मतलब क्या होता है, एक होता है प्राकृतिक आपदा का मतलब है यानी प्रकृति द्वारा जो कुछ भी, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाना प्रकृति द्वारा जिनके कारण जन धन हानि हो सकता है, कई सारे स्थल रूपों का विकास भी हो सकता है और कई सारे स्थल रूपों का विनाश भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई पर्वत श्रृंखला है और वो उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो गए तो पर्वत श्रृंखला टूट जाएगी, तो ये विनाश हो गया। और मान लो कोई मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे अगर ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया और वहाँ एक गहरा बड़ा होल बन गया तो वहाँ वर्षा का जल इकट्ठा होगा तो वो एक झील बन जाएगी। तो कई सारे, कहीं पे निर्माण होता है, कहीं पे अपन कह सकते हैं इसकी हानि भी होती है। तो एक तो हो गया ज्वालामुखी प्रक्रिया, यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अधिक ऊष्मा के कारण, अधिक ऊर्जा के कारण पृथ्वी की सतह का या पृथ्वी की कमजोर सतह पर कहीं पर भी अगर दरारी उत्पन्न हो जाए या कहीं पर बड़ा छिद्र हो जाए और उनके द्वारा जो लावा बाहर आता है ये इस प्रकार से, और ये यहाँ से जो लावा बाहर आएगा ये इस प्रकार से फैलता जाएगा पृथ्वी पर, और इस लावे से, क्या होगा, ये कब होगा, ये ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ लावा आएगा और लावे के कारण कई जगह पर्वत बन जाएंगे और कई जगह पे पठार बन जाएंगे, कई जगह पे जिले बन जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी जो घटना है ये बहुत ही विनाशकारी है। और ज्वालामुखी को अपन क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच भी कहते हैं, सुरक्षा वोल्वो की संज्ञा दी गई है, क्योंकि एक साथ जितनी भी ऊर्जा है उसको ज्वालामुखी विस्फोट के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकाली जा सकती है, इसलिए बड़ा विस्फोट होने से अपन बच सकते हैं। तो इसको अपन ज्वालामुखी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उच्चावच के रूप में इनको पृथ्वी का सुरक्षा वोल्व कहा गया। एक होता है भूकंप, और ज्वालामुखी ये दोनों क्या होता है, आकस्मिक आते हैं, और ये क्या होते हैं, अल्पकालिक घटना होती है, यानी क्षण भर में आ जाएगा और क्षण भर में कई सारा विनाश कर देगा, अल्पकालिक घटना भी है। और ध्यान रखना ये आकस्मिक घटना है, एकदम अचानक होने वाली घटनाओं में मानी जाती है। और भूकंप में भी पृथ्वी की दरार में कंपन उत्पन्न हो जाना, क्या होता है, पृथ्वी की सतह में क्या हो जाना है, कंपन उत्पन्न होना, ये भूकंप कहलाता है। और तूफान या बाढ़ आना यानी तेज गति से मूसलाधार बारिश आ जाना, तो उसको अपन कई बार बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बहुत भयंकर से जो हवाएं हैं वो चक्राकार रूप में पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर टकराती है, तो उस प्रकार की तेज हवाओं को अपन क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। और बाढ़ का मतलब जहां पर भी अधिक वर्षा हो जाए, जहां निचले क्षेत्रों में पानी भराव हो जाए, कई दिनों तक जलमग्न की स्थिति हो, ऐसे क्षेत्रों को, जलमग्न क्षेत्रों को या निचले क्षेत्रों को जहां पर पानी कई दिनों तक रहता हो उसे अपन बाढ़ का एरिया या बाढ़ क्षेत्र कहते हैं। एक अपन बात करेंगे भूस्खलन, क्या होता, जैसे मान लो ये पर्वत है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र का जो ये मलबा है, ये वाला आपका क्या है, मलबा, ये मलबा गुरुत्व त्वरण के कारण या गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण ये क्या करता है, नीचे स्लाइड हो जाता है, ये इस प्रकार नीचे की ओर आता है, और प्रति या अपन कह सकते हैं पर्वत के मैदानी भाग में, पर्वतपदीय मैदान में ये भाग क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है।
तो इसी को अपन क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, यानी चट्टान का ऊपरी चट्टान का गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है, आपका भूस्खलन कहलाता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और प्रमुख स्थल रूपों में अपने दो प्रक्रिया पढ़ी थी, एक बाह्य प्रक्रिया और एक होती आंतरिक प्रक्रिया, और उनके द्वारा जो उच्चावच बनते हैं पर्वत पठार मैदान नदियां जिले ये सब पढ़ा, और अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक आपदा क्या होती है। और प्राकृतिक आपदा में मैंने दो आपदा बताई थी, एक आपका ज्वालामुखी एक भूकंप, ये दोनों कम समय में होती है और अधिक विनाश करती है। और फिर मैंने बताया था बाढ़ है तूफान है भूस्खलन जैसी घटनाएं भी होती हैं। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।